नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन मध्य प्रदेश सरकार के अंतिम बजट की लोगों ने की तारीफ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस संबंध में हमने शहर के व्यापारियों, नागरिकों एवं महिलाओं से चर्चा की। सभी ने बजट को किसानों, व्यापारियों एवं जनता के लिए हितकारी बताया। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। बजट किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए बहुत अच्छा बजट है। और ये अपन समझ रहे थे कि चुनाव है, इसलिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि को रखते हुए नहीं बनाया उन्होंने, तो इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत अच्छा बजट है। आगे मध्य प्रदेश के लिए इससे बहुत लाभ होने वाले हैं, मतलब विकास मध्य प्रदेश में ठीक होने वाला है इस बजट से। क्या नाम है आपका? कैलाश गौर। मध्य प्रदेश सरकार ने जो अंतरिम बजट पेश किया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश सरकार ने जो अंतरिम बजट पेश किया है उसमें व्यापारियों तथा किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है और बड़ा ही अच्छा बजट पेश करा है आपने। अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें किसानों को, व्यापारियों को बहुत से फायदे हुए हैं, जिससे बहुत सी योजनाएं चल रही है जो कि वो फायदा उठा रहे हैं। किसान इससे बहुत खुश है, किसान में खेती किसानी वो अच्छे से कर पा रहे हैं। महिलाओं, व्यापारियों और किसानों को बहुत सुविधाएं दी गई है, इससे उनके जीवन में प्रगति करने के लिए नए नए अवसर और उपलब्ध कराए जाएंगे और महिलाओं को उन्नति करने के लिए और उनके परिवार को बढ़ावा देने के लिए और अधिक से अधिक अवसर मिलेगा।